आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हंकुक विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया में हिंदी पढ़ने वाले हम विद्यार्थियों की ओर से सादर प्रणाम। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। मान्य, हम हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हिंदी भारत की भाषा है, परंतु हमें महसूस होता है कि जितना हम हिंदी से प्रेम करते हैं उतना भारतीय नहीं करते हैं। हमारा हिंदी विभाग हिंदी भाषा के लिए 50 सालों काम कर रहा है। हमारा विभाग जब अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है, तब इस सुअवसर पर हम विदेशी विद्यार्थी आपको कहना चाहते हैं कि एक संवैधानिक स्तर पर भारत की राजभाषा हिंदी तो है, लेकिन उसका यह स्थान सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर दिखता है। दो, यदि आप अपने संबोधनों में हिंदी के प्रति प्रेम पैदा करने का संदेश दें तो भारत की भाषाई अस्मिता सिद्ध हो सकेगी। तीन, आपकी नीति से कोरिया के कई विश्वविद्यालय अन्य विदेशी भाषाओं की तरह हिंदी में भी दिलचस्पी रहेंगे। और चार, कोरियाई अभिभावक भी बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पांच, माननीय, अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा सीखने और परीक्षण करने के लिए मानक पाठ और निर्धारित स्वरूप नहीं है। छह, इससे हम विदेशियों को काफी द्वंद्व एवं भ्रम होता है। सात, दुनिया में हिंदी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अनुपलब्धता हम सभी विदेशी विद्यार्थियों को काफी परेशान करती है। आठ, हमें विदेशियों के लिए हिंदी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए क्योंकि यह उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के लिए द्वार खोलने वाला होता है। नौ, प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में कोरिया और भारत के आर्थिक, व्यापारिक और राजनैतिक संबंध एक नया मुकाम प्राप्त कर चुके हैं। दस, कोई कोरियाई छात्र छात्राएं हिंदी भाषा की पढ़ाई को लेकर काफी उत्सुक भी है। 11, लेकिन एक समस्या उन्हें अपना कदम आगे बढ़ाने से रोकती है। 12, वो समस्या है यूएम में हिंदी भाषा का कोरियाई भाषा के रूप से पंजीकृत न होगा। 13, अतः अब पूरे प्रयास से हिंदी को यूएम में वो स्थान दिलाएं जिसकी वो हकदार है। 14, हमारे देश में अन्य विदेशी भाषा की पढ़ाई मध्य विद्यालय स्तर से शुरू हो जाती है और वो विश्वविद्यालय स्तर तक जाती है। 15, भारत में कोरियाई भाषा की पढ़ाई मध्य विद्यालय स्तर से शुरू होने जा रही है, लेकिन कोरिया में हिंदी के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 16, प्रधानमंत्री जी, हम आपका ध्यान हमारे लिए हिंदी अध्ययन और अध्यापन की शिक्षण सामग्री की कमी पर भी खींचना चाहते हैं। 17, अतः आपसे निवेदन है कि हमारी बातों को संवेदनात्मक पूर्वक संज्ञान में रहते हुए हमें कुछ संदेश अवश्य दें। 18, ताकि हम हिंदी के प्रति ललायित लोगों को संतोष मिल सके। हिंदी भाषा सबसे न्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी, सेरी बहुत उपेक्षा इससे, आप तो रख लो इसका मान, हिंदी से हिंद बना रहे, हिंदी से हिंदुस्तान।